पिला माने काली आमे जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ी सारी जो माने देखिनांती डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपनमनकु लिंक मिल जिवो। सो पिला माने आज आमे पढ़ीबा टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। सो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस रे कोन कोन जाय थे माने केउ प्रकार रो वाक्य टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस रे जाय थाए। जदी गुटे वाक्य रे पॉसिबल कंडीशन थिबो माने किछि शर्त थिबो आउ तार आंसर संभावत्यरे आसुथिबो माने लाइकली रिजल्ट आसुथिबो संभावत्यरे आसुथिबो बा संभावना रो आंसर आसुथिबो बा सेई भली तार रिलेटेड आंसर आसुथिबो जे एई काम कले एई भली हबो सेई भली सेंटेंस को आमे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस रे लेखिबा। जेमति कि थिबो जदी एहा हुए बा जदी एहा करा जाए बा जदी एहा करिबा तबे एहा हबो एहा हेई पारे एई सब सेंटेंस। सो एई सब कंडीशनल सेंटेंस माने टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस को इंग्लिश रे लेखिबो कले टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस रो रूल होची प्रथमे आपण लेखिबे इफ इफ पर आपणको व्यवहार करबे पडिबो प्रेजेंट सिंपल तापर गोटे कॉमा लगेबे तापर रिजल्ट थिबा सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब विल नहले मे माइट कुड रो व्यवहार करी लेखिबे। चलंतु किछि एग्जांपल संगरे याको आहुरी भलो भाबरे बुझिबाको चेष्टा करबा। देखंतु हमर प्रथम एग्जांपल होउची जदि तुम्हें कठिन परिश्रम करिब तेबे तुम्हें परीक्षा रे पास करिब। पिला माने गोटिए सेंटेंस को भला पर जदि आपण माने बुझी जिवे तेबे आउ सब सेंटेंस आपण को बुझिबा को परिश्रम करबा को पड़िबोनी। देखंतु प्रथम सेंटेंस जो हमर एठी रहिला जदि तुम्हें कठिन परिश्रम करिब तेबे तुम्हें परीक्षा रे पास करिब। हमर कंडीशन होउची प्रथम पार्ट जदि तुम्हें कठिन परिश्रम करिब तो एटा होउची हमर कंडीशन पार्ट माने शर्त थिबा बा जदि आमे देखिबा हमर रिजल्ट कोन आसीबो परिमाण वाक्य होउची तेबे तुम्हें परीक्षा रे पास करिब। तो जदि तुम्हें कठिन परिश्रम करिब एई सेंटेंसटा हमको लागुची जे फ्यूचर रे अछि। पिला माने बहुत भूल करथांती एई सेंटेंस को कोन करथिन ना फ्यूचर रे लिखि देथांती किंतु यहाँ फ्यूचर रे लिखा जीवो नाही जेहेतु एटा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 ने जाउची रूल हिसाब रे आमे एई सेंटेंस को लिखिबा प्रेजेंट रे तापरे आमर परिमाण सूचक वाक्य को आमे लिखिबा फ्यूचर रे बुझी गले। सो आमर सेंटेंस हे जीवो इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। देन नेक्स्ट सेंटेंस जदि वर्षा हुए बा आमे जेमते कहिथौ जदि वर्षा हेबो से भोजी को जीवो नाही। इफ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट गो टू द पार्टी इफ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट गो टू द पार्टी। देखंतु आजि जदि वर्षा हुए बा जदि आजि वर्षा हुए बा आमे जेमते कहिथौ आजि जदि वर्षा हेबो एटा फ्यूचर रे थिला भली लागुची किंतु आपण यहाँ को फ्यूचर रे लिखिबेनी। प्रथम पार्ट को आपण कंडीशन पार्ट को आपण प्रेजेंट सैंपल रे लिखिबे बाकी रेस्ट परिमाण सूचक वाक्य को आपण लिखिबे फ्यूचर रे। देन नेक्स्ट सेंटेंस जदि तुम्हें मो सह कथा न हुओ मु तुमको साहाज्य करिबिनी जदि तुम्हें मो सहित कथा न हुओ मु तुमको साहाज्य करिबिनी। इफ यू डोंट टॉक टू मी आई विल नॉट हेल्प यू इफ यू डोंट टॉक टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। जदि तुम्हें एठिके आसिबो मु तुमको इंग्लिश सिखाइबी जदि तुम्हें एठिके आसिबो मु तुमको इंग्लिश सिखाइ देबी। इफ यू कम हियर आई विल टीच यू इंग्लिश इफ यू कम हियर आई विल टीच यू इंग्लिश। जदि तुम्हें पार्टी को आसिबोनी बा आमे जेंते कहिथौ जदि तुम्हें पार्टी के न आस हुए तो से तुमको साहाज्य करिबोनी। इफ यू डोंट कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू इफ यू डोंट कम टू द पार्टी ही माइट नॉट सपोर्ट यू। आपण एठारे माइट बदलरे मेयर व्यवहार करिपरंती कुड रो मध्ये व्यवहार करिपरंती एई तीनटा भितरु जहां भी व्यवहार करले आपणकर सेंटेंस करेक्ट हबो। देन नेक्स्ट सेंटेंस जदि से तुम सह रहिब तुम्हें दुनिया जीति पारिब जदि से तुम सह रहिब तुम्हें दुनिया जीति पारिब। इफ ही इज विथ यू यू कुड विन द वर्ल्ड इफ ही इज विथ यू यू कुड विन द वर्ल्ड। जदि तुम्हें सेठी बसिब तेबे तुमको किछि मिलिब जदि तुम्हें सेठी बसिब तेबे तुमको किछि मिलिब। इफ यू सिट देयर यू विल गेट समथिंग इफ यू सिट देयर यू विल गेट समथिंग।